हुआ है, लेकिन आपको ये बता दें कि हाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी की वजह से ये बड़ा ब्लास्ट हुआ है। हालांकि अब ये अपील की जा रही है लोगों से हिजबुल्ला की तरफ से कि जिनके पास भी पेजर है वो फेंक दे, क्योंकि आपको बता दें कि 3000 से ज्यादा लोग इस सीरियल ब्लास्ट में जो है वो पूरी तरीके से घायल हो चुके हैं। कई लोगों की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है, जबकि 9 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है। तो हैक किया गया पहले इस डिवाइस को, इसके बाद ये ब्लास्ट हुआ है, सीरियल ब्लास्ट, जिसमें 9 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। अब लेबलान ने लोगों से अपील की है कि पेजर जिनके पास है वो उसे फेंक दें, इसका इस्तेमाल ना करें। तो ये 3 तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए पहला धमाका हुआ उस वक्त जब लोग वहां पर आसपास यानी कि सब्जी ले रहे थे और अचानक से ब्लास्ट होता है, इसके बाद कई लोग जो है वो देखिए अचानक से ब्लास्ट होता है, इसके बाद जो है अफरा तफरी का वहां माहौल देखने को मिलता है। दूसरा ब्लास्ट उस वक्त होता है, देखिए दूसरे ब्लास्ट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां सब कुछ बहल उठता है। और तीसरा धमाका भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सड़कों पर लोग जो है आम दिनों की तरह चलते हैं, लेकिन पेजर जो है किसी की पॉकेट में रखा होता है, कोई हाथ में लेकर घूम रहा होता है, उस दौरान जो है जबरदस्त तरीके से ब्लास्ट होता है और कई लोग घायल हो गए। लेकिन हाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी की वजह से आपको ये बता दें कि एक साथ कई जगहों पर यह धमाका, इसमें 3000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तो इन्हीं 3 तस्वीरों के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि जो एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट हुआ है, इसके लिए लेबनान ने इजराइल को जिम्मेदार बताया और कहा है कि वो बदला लेगा। ये लेबनान की तरफ से हुंकार भरी गई है, ये जो सीरियल ब्लास्ट हुए हैं बेरूत में, एक के बाद एक पेजर धमाका हुआ है, उसके लिए लेबनान ने इजराइल को जिम्मेदार बताया है और लेबनान ने कहा है कि हम इसका बदला लेंगे। लेबनान में एक के बाद एक बेरूत में कई धमाके हुए हैं, हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से धमाके की जानकारी मिल रही है, और ये लेबनान ने अपने तमाम जो लोग हैं, पूरी आवाम है, उसे अपील की है कि वो पेजर फेंक दें, पेजर अपने पास ना रखें, क्योंकि एक के बाद एक पेजर धमाके हो रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें लेबनान ने कहा है कि हम इसका बदला लेंगे, और ये जो सीरियल ब्लास्ट हुए हैं इसके लिए लेबनान ने इसराइल को ठहराया है जिम्मेदार। तो हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी तक इजराइल की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सीरियल ब्लास्ट में हिजबुल्ला के 7 आतंकियों की मौत होने की खबर सामने आ रही है। हिजबुल्ला ने फोटो जारी कर इसकी जानकारी दी है, जिसमें यूसुफ मादी अलवा और हसन अहमद मोहम्मद है, इसके अलावा नजीब अब्दुल हुसैन अला उद्दीन और साथ ही साथ हसन मोहम्मद यासीन, इसके अलावा हुसैन अहमद मंताश और मोहम्मद जकारिया अब्बास और अब्बास बिलाल मुनीर के रूप में इनकी पहचान हुई है। देखिए तस्वीर जारी कर दी गई है हिजबुल्ला की तरफ से, ये तस्वीर जारी करके बताया गया है कि 7 आतंकी जो हैं वो मारे गए हैं, इनके नाम भी जारी किए गए हैं, फोटोज भी यहाँ पर देखिए जारी कर दिए गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से देखिए हमला हुआ है, सीरियल ब्लास्ट हुआ है, हालांकि इसे लेकर हिजबुल्ला की तरफ से जिम्मेदार जो है इसराइल को माना जा रहा है, लेकिन इसराइल की तरफ से अब तक कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से डिवाइस को पहले हैक किया गया, इसके बाद एक के बाद ये एक धमाके होते हैं जिसमें 9 लोगों की जान चली जाती है, ये बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, और बड़ी खबर के धमाके से बौखला गया हिजबुल्ला। हिजबुल्ला ने कसम खा ली है, इसराइल से बदला लेने की ठानी हिजबुल्ला ने, इसराइल को मिलेगी सजा, ये कह रहा है हिजबुल्ला। धमाके से बौखला गया हिजबुल्ला, लेबनान के बेरूत में पेजर धमाका, सीरियल ब्लास्ट, और उसके बाद लेबनान की तरफ से जहां इसराइल को जिम्मेदार बताया गया, तो वहीं आपको बता दें अब हिजबुल्ला ने कसम खा ली है और ये कहा है कि इसका बदला लिया जाएगा, इसराइल को सजा दी जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की, ये बड़ी खबर, इसराइल से बदला लेने की ठान ली है हिजबुल्ला ने, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। अब हिजबुल्ला इसका बदला लेगा, क्योंकि हिजबुल्ला की तरफ से कहा गया है कि इसराइल को इसकी सजा दी जाएगी। पेजर धमाका जो लेबनान में हुआ है, जो बेरूत में पेजर धमाका हुआ है, सीरियल ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि हिजबुल्ला अब इसका बदला लेने की बात कर रहा है। और देखिए अब जल्दी से आपको बता देते हैं, पेजर धमाका हुआ है, लेबनान पूरी तरीके से दहल गया है, क्या हुआ है, पेजर में धमाका हुआ है, कहां कहां हुआ है ब्लास्ट, लेबनान में, सीरिया में ये ब्लास्ट हुआ है, कैसे ये धमाका हुआ है, पेजर्स हैक करके इस धमाके को अंजाम दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कितने लोग इस ब्लास्ट में मरे हैं, 9 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, जबकि कितने लोग जख्मी हुए हैं, 3000 से ज्यादा लोग इस पूरे ब्लास्ट में जख्मी हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कहां से आया, जॉर्डन से खरीदा गया ये पेजर, और एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट होते चले गए हैं, लेबनान के बेरूत में ये सीरियल ब्लास्ट हुए हैं, इसके अलावा सीरिया में भी ब्लास्ट की जानकारी मिल रही है, और ये बताया जा रहा है कि अब लेबनान की तरफ से इसराइल को इसके लिए जिम्मेदार बताया गया है, और ये भी बताया जा रहा है कि 9 लोगों की मौत हो गई, 3000 से ज्यादा लोग इस बीच जख्मी हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर के आपको बता दें वहां पर अभी जो स्थिति बनी हुई है, ये कहा गया है कि हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से धमाका हुआ है, और सभी लोगों से, आवाम से अपील की गई है कि वो पेजर ना रखें। लेकिन ये ब्लास्ट कैसे हुआ, अभी क्या हालात हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। देखा।
मिसाइल, जेब में धमाका और कई इंसानी जान तबाह। न फोन आया, किसी ने आत्मघाती हमला किया और मैसेज से काम तमाम। न किसी हवाई जहाज का इस्तेमाल हुआ, न ही बंदूक या बम, बल्कि इसराइल के पड़ोसी मुल्क लेबनान में इस बार अटैक के लिए इस्तेमाल हुआ पेजर और रेडियो सेट का। पहले एक साथ पेजर पर सीरियल ब्लास्ट, फिर कई रेडियो सेट में सिलसिलेवार विस्फोट। इस धमाके की गूंज ऐसी कि पूरी दुनिया दहल उठी। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए सीरियल ब्लास्ट से सड़कों पर चीख पुकार मच गई। किसी के जेब में पेजर फटा तो किसी के हाथ में, किसी के कैंटीन में पेजर फटा, किसी के स्टडी टेबल पर। एक के बाद एक ब्लास्ट और जमीन पर गिरते लोग। विस्फोट इतना भयानक कि किसी के हाथ उड़ गए तो किसी की बांह, किसी की उंगली, किसी के पेट के चिथड़े उड़ गए। बताया जा रहा है कि बेरूत में आतंकी संगठन हिजबुल्ला को निशाना बनाकर हमला किया गया। हमला हिजबुल्ला सदस्यों के हजारों पेजर और रेडियो सेट में विस्फोट कराकर किया गया। पेजर में हो रहे धमाकों से शहर में भगदड़ मच गई। सीरियल धमाकों के बाद से बेरूत के दक्षिणी इलाकों में एम्बुलेंस को दौड़ते हुए देखा गया, जो हिजबुल्ला का गढ़ है। धमाकों के बाद से दहशत का माहौल है। लेबनान में हुए इस हमले में हिजबुल्ला के आतंकियों के साथ साथ नागरिक भी निशाना बने। 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई तो 3000 से ज्यादा घायल, जिसमें लेबनान में ईरानी राजदूत मुस्तबा भी शामिल हैं। वहीं सीरियल ब्लास्ट में हिजबुल्ला सांसद के बेटे की मौत हुई, जिसका अंतिम संस्कार किया गया। ये धमाके सिर्फ लेबनान ही नहीं बल्कि सीरिया में भी हुए, जिसके बाद सीरिया में भगदड़ मच गई। हर तरफ अफरा तफरी और सड़क पर एम्बुलेंस दौड़ती नजर आई। बताया जा रहा है कि जिस पेजर्स में धमाका हुआ वो लेटेस्ट मॉडल का था और जिसे हिजबुल्ला ने हाल ही में लिया था, लेकिन विस्फोट के बाद लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागरिकों से पेजर को तुरंत फेंकने की अपील की। लेकिन सवाल है कि इन सीरियल ब्लास्ट और बेरूत में हुई मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लेबनान में हुए ब्लास्ट को लेकर अमेरिका का बयान सामने आ चुका है और अमेरिका की तरफ से ये बयान दिया गया है कि हमले में वो जिम्मेदार नहीं है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धमाके पर अमेरिका ने बयान जारी कर कहा है कि घटना में शामिल नहीं है अमेरिका। अमेरिका अब हमले की जानकारी जुटाने में लगा हुआ है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लेबनान में जो सीरियल ब्लास्ट हुआ है, इसके पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि हिजबुल्ला की तरफ से इसराइल को जिम्मेदार बताया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि अमेरिका ने बयान जारी करके ये कहा है कि लेबनान में जो धमाका हुआ है उसमें अमेरिका का हाथ नहीं है। धमाके पर अमेरिका ने ये बयान जारी कर कहा कि अब हम हमले की जानकारी भी जुटा रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये हमला हुआ है इसके पीछे आखिर किसका हाथ है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि हिजबुल्ला की तरफ से दावा किया गया कि 500 आतंकियों की धमाके के दौरान रोशनी चली गई है। 500 आतंकियों की आंखों की रोशनी गई है, ये हिजबुल्ला दावा कर रहा है। धमाके के बाद हिजबुल्ला का ये दावा सामने आया, जिसमें बताया जा रहा है कि हिजबुल्ला ये कह रहा है कि दरअसल 500 आतंकी हुई। देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं।